अंदर सब्जेक्टिव शीट नंबर 76 में क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट नहीं है। 2 कितनों का हो गया? हो गया। कितनों का नहीं हुआ वैसे? 2। देखो, राइट द लेंस मेकर फॉर्मूला, लिख दिया फॉर अ लेंस, और वो कह रहा है कि रेंज लिखो, म्यू की रेंज लिखो। इक्वी कन्वेक्स लेंस है, इक्वी कन्वेक्स का मतलब आर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, और किस में पड़ा हुआ है? एयर में। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1। आपको बता रहे हैं कि म्यू की रेंज क्या है, सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, और ये रेंज तब बतानी है जब उसकी जो फोकल लेंथ है वो रेडियस से बड़ी है। तो मैंने क्या किया, आर और माइनस आर पुट करके 1/f निकाल लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके f निकाल लिया, एक आर और एक माइनस आर, सॉल्व करके मैंने ये फॉर्मूला लगाया। इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करके ये टर्म आई, यहां से f और r, f और r एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ। क्वेश्चन में मेंशनड है कि f इज ग्रेटर देन r, f अगर ग्रेटर देन r है तो ये फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 है, और अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो ये भी ग्रेटर देन 1 है। ये लेफ्ट की तरफ चला गया, इसे ओपन कर लिया, ओपन करके 2 इधर आ गया, तो म्यू लेस देन 3/2। 3/2 का मतलब 1.5, तो यानी कि म्यू एयर जितना तो है ही है, 1 से बड़ा है और 1.5 से छोटा है। इस तरीके से आंसर मार्क करना है। तो जो कंडीशन बनाने को दी गई है वो कंडीशन हमने बना ली, म्यू की फोकल लेंथ और आर की लेस देन 1 वाली, वहां से आंसर आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में बाइकन्वेक्स फोकल, बाइकन्वेक्स डबल कन्वेक्स लेंस एक ही बात है। तो बाइकन्वेक्स लेंस है, एक रेडियस पॉजिटिव एक रेडियस नेगेटिव, फोकल लेंथ हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, गिवन है f = r/2। तो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? लेंस मेकर लगाओ, फोकल लेंथ की जगह r/2 पुट करो, एक आर पॉजिटिव एक आर नेगेटिव पुट करो, सॉल्व करके आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये एक लेंस है, ये लेंस के अंदर आपको क्या गिवन है, एक 10 है और एक 20 गिवन है, और राइट की तरफ है तो दोनों पॉजिटिव लेंगे, R1 भी पॉजिटिव R2 भी पॉजिटिव, दोनों राइट की तरफ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या निकालना है? म्यू की वैल्यू पता है और आपको फोकल लेंथ निकालनी है, क्योंकि इधर है ना कर्व, दोनों के सेंटर राइट है, ये कनकेवो कन्वेक्स शक्ल से देख के। हाँ, तो उसमें कौन सा प्रॉब्लम है? कनकेवो कन्वेक्स में दो, या तो दोनों R पॉजिटिव या दोनों R नेगेटिव है, या तो था लास्ट टाइम प्रूफ फोकल लेंथ रिमेन सेम, और वैसे भी तो शक्ल से कह रहा है, डायग्राम ही दे रहा है, वो तो दोनों आर पॉजिटिव ही लूंगा मैं, तो इसमें नेगेटिव का तो सोचूंगा भी नहीं, दोनों आर पॉजिटिव करके आंसर आ गया, है ना। ये तो डायग्राम ना देता फिर मैं सोचता, डायग्राम ही दे रहा है तो मैं क्यों सोचूं, दोनों के आर पॉजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट, 5 कितनों का हो गया? अच्छा, डाउट तो नहीं है 5 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट, प्लेनो कन्वेक्स। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में प्लेनो कन्वेक्स है। देखो, प्लेनो कन्वेक्स में बहुत लोग कन्वेंशन अलग अलग यूज करते हैं, कई लोग इसको इन्फिनिटी और माइनस आर पुट करते हैं, मैं सिंपल करता हूँ। प्लेनो कन्वेक्स इज अ कैटेगरी ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, ओवरऑल फोकल लेंथ क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव। तो मैं सिंपली एक आर पॉजिटिव आर कर देता हूँ और उसको तो इन्फिनिटी पुट कर देता हूँ प्लेन की वजह से, 1/∞ 0 है तो मेरी फोकल लेंथ पॉजिटिव रहती है। तो मैं तो सिंपल ये याद कर रखा है, प्लेनो कन्वेक्स में एक आर पॉजिटिव और एक आर इन्फिनिटी है। तो क्या निकालना है इसमें, क्योंकि प्लेनो कन्वेक्स इज अ कैटेगरी ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, तो ओवरऑल फोकल लेंथ क्या आनी चाहिए? प्लस। तो म्यू पता है, फोकल लेंथ पता है, सॉल्व करके आर निकाल लेना आंसर। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट, 8 में फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेवो कन्वेक्स, इससे इसका आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर तब आ रहा है जब आप इसे कन्वेक्सो कनकेव लेंगे। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, मैंने करके देखा, ये कनकेवो कन्वेक्स लेंस इज अ कैटेगरी ऑफ व्हाट, चेक करके बताओ, कन्वेक्स लेंस की कनकेव लेंस? कन्वेक्स लेंस। तो अगर ये कन्वेक्स लेंस की कैटेगरी है तो ओवरऑल फोकल लेंथ क्या आनी चाहिए? कन्वेक्स पॉजिटिव, ऐसे आना चाहिए। ऐसे किया, इसे आंसर नहीं आया होगा आपका, प्लस 80 आएगा, हाँ उल्टा आएगा, माइनस 80 नहीं आएगा। और अगर माइनस 80 लेना है तो ये फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए? नेगेटिव, और वो इसके साथ नहीं आ सकती, वो कन्वेक्स कनकेव के साथ आएगी, कि वो कैटेगरी क्या हो जाएगी? कन्वेक्स लेंस की, कनकेव लेंस की, सॉरी कनकेव लेंस की ओवरऑल फोकल लेंथ इज नेगेटिव,
तो मैंने यहाँ फोकल लेंथ को नेगेटिव पुट किया, और क्योंकि एक दोनों साइन कन्वेंशन सेम होती हैं, जो आपका जो कनकेव वो कन्वेक्स है या कन्वेक्स वो कनकेव है, साइन कन्वेंशन एक जैसी यूज़ करनी है, तो मैंने एक आर नेगेटिव दूसरा आर भी नेगेटिव यूज़ कर लिया, आपकी फोकल लेंथ भी मैंने नेगेटिव यूज़ की, तो मेरा आंसर ऐसे आ रहा है। तो यहाँ से सॉल्व करके मेरे पास म्यू आएगा, फिर मैं इसको वाटर में डालूंगा, वाटर में ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर करके ब्रेक करके वैल्यूज पुट करके आर वन आर टू की सेम वैल्यूज पुट करके नई फोकल लेंथ भी आएगी। मतलब ये बता रहा हूँ कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, कनकेवो कन्वेक्स की जगह कन्वेक्सो कनकेव के साथ आंसर सही बैठेगा। वो अलग बात है कि कन्वेक्सो कनकेव या कनकेवो कन्वेक्स के ऊपर क्वेश्चन मैंने आते देखे नहीं है, बात अलग है, नॉर्मल लेंस के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, ये हो गया 9th डाउट है। कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ एफ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इसको एक लीक्विड में डाल दिया 1.6, तो नई फोकल लेंथ निकालो। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक बार आप लेंस को एयर में रखो, एक बार लिक्विड में रखो। तो एयर में रखेंगे तो फोकल लेंथ एफ है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, आर वन आर टू मेंशन नहीं है, तो 1/R1 - 1/R2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लें, एफ की फॉर्म में आ गया। फिर आप क्या करें, इसको लिक्विड में डाल दें। जब आप इसे लिक्विड में डालेंगे तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड हो गया, और यहाँ से ये ग्लास नीचे है तो ऊपर आ गया, लिक्विड ऊपर है तो नीचे आ गया। तो आपको अब क्योंकि 1/R1 - 1/R2 की वैल्यू गिवन है, आपको इस क्वेश्चन में ग्लास का और वाटर का रिफ्रैक्ट लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों गिवन है, सॉल्व करके आपके पास नई फोकल लेंथ आ गई इन टर्म्स ऑफ पुरानी फोकल लेंथ। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, क्या करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा लिक्विड में डाल दो, तो दो बार ही क्वेश्चन होगा, एक बार एयर में होगा और एक बार लिक्विड में होगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है यहाँ तक, तो लेंस मेकर का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट, 10 में हाँ ये प्लस 10 आएगा, -10 नहीं है, करेक्शन है, +10 है। तो आपको ये डाउट अब आ गया, प्लेनो कन्वेक्स है ना, प्लेनो कन्वेक्स अभी बताया, एक आर पॉजिटिव एक आर इन्फिनिटी, ताकि ओवरऑल फोकल लेंथ बिकम पॉजिटिव। अब आंसर आ गया। ठीक, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11th क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन अभी हम बुकलेट में लिखा हुआ है वो अभी करेंगे, पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि 12th क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन है कि आपके पास एक डबल कन्वेक्स लेंस है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू 20 है। तो एक आर पॉजिटिव है, एक आर नेगेटिव है, आर पॉजिटिव आर नेगेटिव है, राइट। तो कहते हैं फोकल लेंथ निकालो, तो मैंने भी लेंस मेकर लगा दिया, मैंने फोकल लेंथ निकाल दी, एक आर पॉजिटिव एक आर नेगेटिव, म्यू मुझे पता था, फोकल लेंथ की वैल्यू आ गई, आंसर 20 आ गया। फिर अगले पार्ट में कहता है कि लेंस को तोड़ दो, ब्रेक कर दो, कैसे। अब वो कह रहे हैं बी पार्ट में, इट इज कट अलोंग प्लेन ए बी, ऐसे काट दो। जब आप ऐसे काटोगे, हम प्रूफ करेंगे अभी, तो ये लेंस क्या बन जाएगा, प्लेनो कन्वेक्स। तो ये लेंस प्लेनो कन्वेक्स बनेगा, मैं अभी थ्योरी में प्रूफ करूंगा। जब इसको वर्टिकली काट दिया जाता है तो इसकी फोकल लेंथ डबल हो जाती है, प्लेनो कन्वेक्स की फोकल लेंथ डबल हो जाती है। डबल होने का मतलब जो पहले 20 थी या 40 होगी, क्यों हुआ इसका आंसर अभी 2 मिनट में देता हूं बुकलेट खोल के, बट ये याद रखना है, अगर वर्टिकल काटा फोकल लेंथ डबल है, और अगर हॉरिजॉन्टल काटा यानी कि सीडी से काट दिया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर में कोई चेंज नहीं, R1 R2 विल रिमेन सेम, तो फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं। हाँ, लेकिन लाइट कम जाएगी, नीचे का हिस्सा तो आपने काट ही दिया, लाइट कम एंटर करेगी तो इंटेंसिटी इमेज की घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इंटेंसिटी घट जाएगी और डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऐसे काटने में कोई चेंज नहीं, ऐसे काटने में फोकल लेंथ बिकम्स डबल, ऐसा क्यों, इसका आंसर अभी देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है, इसका आंसर देखते हैं आगे क्या है।